यहाँ से मार्बल खरीदने से लेकर आपके घर तक डिलीवर होने तक जो जो भी एक्सपेंस आता है, लेबर, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो पैकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जितना भी एक्सपेंस आता है, उस सभी का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, एशियन मार्बल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विशेष और आज इस वीडियो में हम आप लोगों के कई सारे सवालों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को, आप ही के जो सवाल रहते हैं, आप में से कई सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि ये मार्बल मेरे घर तक कैसे पहुंचेगा, कितने दिन इसे पहुंचने में लगेंगे। मैं एक्स वाई जेड सिटी में रहता हूँ और किशनगढ़ से उस शहर तक आने का क्या खर्चा रहेगा और इसके अलावा भी क्या क्या एक्सपेंसेस रहते हैं जो मार्बल यहाँ से लेते हुए डिलीवरी तक लगता है। और इसके अलावा हम उन्हीं सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे जो जेन्युइनली एक्सपेंसेस लगते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर आपसे गलत चार्जेस भी करते हैं, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि जेन्युइन हैं और जो आपके लगेंगे ही लगेंगे, उन बारीक बारीक चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप अपना वेट कैलकुलेट करोगे, कैसे आपको पता पड़ेगा कि आपकी क्वांटिटी का कितना टन है और कितना आपका ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, इस वीडियो के आखिरी तक देखते रहिएगा। हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव निकले, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कहीं से भी मार्बल आप परचेस करें तो ये चीज़ों का आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रहे। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोगों का रहता है कि कितने दिन तक आपके पास पहुँचेगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बता देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ डिपेंड करता है कि कितना दूर आपका लोकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किशनगढ़ में हैं और आप दिल्ली के रहने वाले हो, तो दिल्ली में पहुंचने में किशनगढ़ से लगता है सिर्फ एक दिन। अगर वो आज शाम को निकला है तो कल आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप हरियाणा, यूपी, दिल्ली, उसके अलावा पंजाब और इस भी साइड में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में हो, तो आपका लगता है एक से दो दिन। इसके अलावा अगर आप वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ पर आपको लगता है चार से छः दिन। अब हम अगर आते हैं साउथ साइड में, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो या आप केरला के रहने वाले हो, तमिलनाडु के आप रहने वाले हो, कर्नाटक के आप रहने वाले हो, तो आपके स्टेट तक पहुंचने में इसे लगता है कम से कम भी चार से छः दिन के अंदर आपकी स्टेट में डिलीवर हो जाते हैं। और तमिलनाडु में कई बार लगता है कि एक हफ्ता भी हो जाता है, बट यूजुअली चार से छः दिन एक ऐसा टाइम है जो दूर से दूर के डिस्टेंस, 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको डिलीवरी मिल जाएगा। तो जो दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आता है वो ये रहता है कि आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, दिल्ली, यूपी, नोएडा, गुड़गांव, इस जगह पे आप हैं, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पर आपका जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा वो ट्रक रहेगा। ट्रक से ही आपका डिलीवर होगा। कम क्वांटिटी है तो एक छोटा मैटाडोर आपका लगेगा और आप तक डिलीवर करेगा। पर जब अगर आप साउथ इंडिया में या आपके पास कोई भी नियर सी पोर्ट है, तो आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं दो। आपके पास एक ऑप्शन रहता है कंटेनर का, एक ऑप्शन रहता है आपके ट्रक का। ये चॉइस टोटली आपकी करती है कि आपको क्या मीडियम चाहिए। ट्रक में आप तक पहुंचने में साउथ इंडिया में लगेंगे चार से पाँच दिन, वहीं कंटेनर में आप तक पहुंचने में लगता है 10 से 12 दिन, कभी कभी 15 दिन। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि ट्रक अगर आपसे 1 लाख रुपये ले रहा है, तो वहीं आपका कंटेनर पर कम से कम 80,000 रुपये लगेगा। तो वो 20,000 रुपये, 10 से 20,000 रुपये का डिफरेंस रहता है ट्रक और कंटेनर में। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है जब आप साउथ इंडिया में हो। नॉर्थ इंडियंस के लिए मोटा माटी आपका ट्रक से ही डिलीवरी हो जाता है। तो जो तीसरा सवाल आप लोगों के मन में रहता है वो ये रहता है कि मार्बल का जो प्राइस है और ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस है, ये आप लोगों को पता पड़ चुका है कितने दिन आप तक लगेगा, कितना आपका खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्ट में, और मार्बल का प्राइस आप तक आ चुका है। अब इसके अलावा भी क्या कोई और एक्सपेंसेस है जो आप लोगों को पे करने होते हैं, या कोई आपसे कुछ चार्ज कर रहा है तो वो जेन्युइन है या नहीं है? तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी के लगेंगे। सबसे पहला जो एक्सपेंस रहता है वो हमारा रहता है एसोसिएशन का स्लिप का। एसोसिएशन स्लिप बोले तो जो मार्बल एसोसिएशन है किशनगढ़ का, ये 300 रुपये का स्लिप रहता है सिर्फ और सिर्फ। और ये 300 रुपये आपसे मार्बल एसोसिएशन चार्ज करता है आपके शहर तक के डेस्टिनेशन का, ट्रक का। कोई भी ट्रक का अगर एंट्री होता है शोरूम में तो ये 300 रुपये का स्लिप कटेगा, चाहे आप किसी भी शोरूम से परचेस करो। दूसरा जो आपका खर्चा रहता है वो रहता है आपका लेबर लोडिंग का। तो जो लेबर है वो चार्ज करती है 150 रुपये एक टन का। अगर आपका क्वांटिटी 20 टन है तो आपका जो लेबर हुआ वो हुआ 3,000 रुपये।
और यही लोडिंग क्रेन के मीडियम से भी की जाती है। तो क्रेन का जो लोडिंग चार्ज रहता है वो रहता है 180 रुपये एक टन का, तो क्रेन का आपका खर्चा आ गया 3600 रुपये। तो ये डिफरेंस रहता है, 3000 से 3600 रुपये का लोडिंग रहता है। ये आपकी चॉइस रहती है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। तीसरा जो खर्चा रहता है वो आता है आपका GST का, वो आपका सभी जगह लगना है। चौथा जो आपका खर्चा रहता है वो रहता है वुड पैकिंग का। अगर आपकी गाड़ी में जो भी आपका ट्रक है वो XYZ लोडिंग उसमें हुआ है, अब उसमें स्पेस है जिससे चांस है कि आपका स्लैब ब्रोक मतलब टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस जगह हम वुड पैकिंग प्रेफर करते हैं। तो अगर वुड पैकिंग उसके अंदर नीडेड है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का इसका खर्चा लगता है। अगर नहीं है तो 50 से 200 रुपये के बीच में आपका पैकिंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कि जो लगेंगी ही लगेंगी, ये खर्चा जो है लगेगा ही लगेगा। एक 300 रुपये का, एक आपका 3000 रुपये का, एक आपका 2000 रुपये का, और अगर इंश्योरेंस आप कराना चाहें तो 700 से 800 रुपये का इंश्योरेंस होता है। ये इंश्योरेंस भी आप पे डिपेंड है, आप करवाना चाहते हो या नहीं, तो बिल वैल्यू का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 5 से 7000 रुपये का एक्सपेंस जो रहता है, ये भी आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्बल की प्राइस के अलावा लगता है। अब जो इस मार्केट में इन एक्सपेंसेस के अलावा भी कई सारे एक्सपेंस हो रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारे पास में एक कस्टमर आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्केट से कोई मटेरियल परचेस करा, तो उनके साथ क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्रेट दिया उनको, उसके साथ साथ उन्होंने जो टोल्स आते हैं ना, टोल्स का भी खर्चा उन्होंने जोड़ दिया, तो उनसे कम से कम भी 4 से 5000 रुपये उन्होंने टोल के ले लिए। तो ये एक अननेसेसरी चीज़ है, ये कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है। आपका जो फ्रेट का चार्ज है उसी में आपका टोल वोल सब इंक्लूडेड रहेगा, आपका FOR प्राइस ही रहेगा डिलीवरी वाला। तो कोई भी अगर आपसे टोल के और इनके कोई भी एक्सपेंस मांग रहा है रास्ते के, तो वो नहीं देने, वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। दूसरा चीज़, आप किसी भी शोरूम से अगर मार्बल परचेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी XYZ फर्म से मार्बल परचेस करा और वो आपको बिल किसी दूसरी फर्म के नाम से दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग हो रही है। क्योंकि देखो, लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से उस, आपने आपका सारा पैसा उसको दे दिया, आपने उससे माल लोड कर लिया, यहाँ से ट्रक आपका छूट गया, आपने लिया कोई ABC मार्बल से और उसने आपको बिल बना के दे दिया XYZ मार्बल का और आप ले गए उसकी बातों में आके। अब रास्ते में अगर कहीं आपको रोका ड्राइवर के आप और आपने बिल प्रोवाइड करा, तो फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो आप लोगों का फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, उनको कोई भी मतलब नहीं। आओ तो हमेशा किसी भी फर्म से आप परचेस कर रहे हो, मेक श्योर कि बिल भी उसी फर्म का हो और उसका जो GST नंबर है वो भी आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें कि ये एक जेन्युइन फर्म है या नहीं है। अगर आप एशियन मार्बल से ही परचेस कर रहे हो तो आप मेक श्योर कि आपको जो बिल मिल रहा है वो एशियन मार्बल का ही हो। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हैं मार्बल खरीदने के पहले या मार्बल खरीदने के बाद क्या 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 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सारा कुछ हम हमारे चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और हम ऑलमोस्ट डेली नए नए लॉट्स के वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप आपके घर के लिए मार्बल लगाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा शोरूम किशनगढ़ राजस्थान में एशियन मार्बल्स के नाम से हमारा यूनिट है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में और भी नए नए लॉट्स के साथ और भी नए नए कलर्स के साथ। नमस्कार।